नमस्कार। गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक दस्तक और देश भर में राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी इससे हिल गई है? क्या बीजेपी इससे बौखला गई है? बीजेपी की प्रतिक्रिया से तो यही लग रहा है, यानी कि सबक जो सामने उभर कर आता है कि जब तक विपक्ष जमीन पर नहीं उतरेगी, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं करेगी, तब तक वो बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकती। शुरुआत में गुजरात के साथ करना चाहूंगा। दोस्तों, आपके स्क्रीन्स पर ये हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि गुजरात पुलिस से उलझ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ये ऑटो वाला अपने घर में खाना खाने का निमंत्रण देता है। वो कहता है कि जिस तरह से आप पंजाब और दिल्ली के ऑटो वालों के घर गए थे, उसी तरह से आप मेरे घर आइए। और अरविंद केजरीवाल, जो कि गुजरात के दो दिन की यात्रा पर हैं, वो इस ऑटो वाले के घर पर जाते हैं, मगर पुलिस उन्हें रोक देती है, कहती है कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप ऑटो में नहीं जा सकते, ये एक सिक्योरिटी रिस्क है। अरविंद केजरीवाल पुलिस को पलटवार करते हैं और कहते हैं कि भाजपा के नेता गुजरात में जमीन पर नहीं उतर रहे हैं, इसलिए वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है, इसलिए जनता के मुद्दों का समाधान नहीं हो रहा। किस तरह से पुलिस से भिड़ गए थे अरविंद केजरीवाल, देखिए। आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं, हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है आपके नेताओं को, कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए। जबरदस्ती कर रहे हैं आप, आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ हमें, आपने हमें कैद कर रखा है सिक्योरिटी के लिए। सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को, पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री को दीजिए, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए, मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं। और फिर काफी टकराव के बाद आखिरकार आप इस वीडियो में देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल ऑटो में सवार होकर उस ऑटो वाले के घर जाते हैं। और ये वो तस्वीर है जहां वो उस ऑटो वाले के साथ मिलकर उसके घर पर खाना खा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो इस वीडियो को बता रहा है कि किस तरह से भीड़ के बीच में से अरविंद केजरीवाल गुजर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर गुजरात में जबरदस्त क्रेज है, लोगों में जबरदस्त दीवानगी है, ऐसा दावा आम आदमी पार्टी कर रही है। और उस मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। राम जी ने इच्छा जताई कि मैं उनके घर खाने के लिए आऊं और मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। अभी मैं उनके ऑटो में बैठ के उनके घर खाने के लिए आया, उनके पूरे परिवार से मिला, बहुत अच्छा लगा इनके परिवार से मिलके, और जो खाना खिलाया बिल्कुल जैसे हम अपने घर में बनाते हैं वैसा ही खाना था। और मैंने इनके पूरे परिवार को निमंत्रण दिया है, इनकी वाइफ दिल्ली की हैं, तो जब भी अगली बार दिल्ली आए तो वो मेरे घर पे आए खाने के लिए, जैसे इन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया, मैं भी इनको निमंत्रण देता हूँ कि ये भी मेरे घर खाने के लिए आए। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, गुजरात एक ऐसी राजनीतिक जमीन है जहां पर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को चुनौती दे रही है। उसी तरह से राहुल ने जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, उसको लेकर भी बीजेपी में साफ तौर पर बौखलाहट दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां बीजेपी जो है उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है, दूसरी तरफ झूठ का सहारा भी लिया जा रहा है। और यही नहीं, विक्टिम कॉम्प्लेक्स, यानी कि खुद को पीड़ित बताकर बात भी पेश की जा रही है। राहुल गांधी को लेकर क्या हो रहा है वो कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा, मगर सबसे पहले दोस्तों हम गुजरात की चर्चा करना चाहते हैं। ये ना भूलें कि पिछली बार यानी 2017 में जब गुजरात के चुनाव हुए थे तो चंद सीटों से कांग्रेस हार गई थी। और ये भी ना भूलें कि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस बहुत मजबूत है।
पिछली बार कांग्रेस के एक नेता मणिशंकर अय्यर के उस बयान जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को नीच कहा था, उस बयान ने आखिरी कुछ लम्हों में, आखिरी कुछ दिनों में खेल पलट दिया था। वरना वो जो 5 या 6 सीटों का अंतर था वो और भी कम हो सकता था। और मुझे हैरत नहीं होती पिछली बार अगर कोई विवाद ना हुआ होता तो कांग्रेस जीत के करीब भी होती या जीत भी जाती। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है, दावा यह किया जाता है कि ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस मजबूत है। मगर अब हुआ है आम आदमी पार्टी का प्रवेश। यहां पर 2-3 किस्म की थ्योरीज चल रही हैं दोस्तों। हाल ही में सूरत के स्थानीय चुनाव हुए थे और इन चुनावों में बीजेपी नंबर 1 पर थी, आम आदमी पार्टी 2 नंबर पर और कांग्रेस 3 नंबर पर थी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि शहरी इलाकों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सीधी चुनौती दे रही है। वो शहरी इलाके जो कि कांग्रेस की 2017 में भी कमजोरी थे। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के हित में है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी गुजरात में मजबूत होती जाए, क्योंकि वो जैसे जैसे मजबूत होगी वो भाजपा विरोधी वोट को काटेगी, और जैसे जैसे भाजपा विरोधी वोट कटेंगे कांग्रेस कमजोर होगी, और जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होगी भारतीय जनता पार्टी जो है बाय डिफॉल्ट एक बार फिर सत्ता में आ जाएगी। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, 2017 की तुलना में इस वक्त 2022 में भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बहुत ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस ने अभी सही मायनों में जमीन पर उतरकर उसे चुनौती देना शुरू नहीं किया है। गुजरात के अंदर उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस से ज्यादा बेहतर मुकाबला इस वक्त अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं मैदान में। अब अरविंद केजरीवाल के मुकाबले को कई लोग ड्रामा कर रहे हैं, कई लोग इसे एक किस्म का गुरिल्ला वॉर बता रहे हैं, मगर हकीकत यह है दोस्तों, राजनीति में जब तक ड्रामा ना हो, राजनीति में जब तक ढोल ना पीटा जाए, राजनीति में जब तक यह ना दिखाया जाए कि आप मैदान में, जनता पर असर नहीं पड़ता, खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रचार तंत्र पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे में है। गुजरात में इक्का दुक्का समाचार पत्रों को छोड़ दीजिए, सभी समाचार पत्र जो हैं बीजेपी की जेब में हैं। यकीनन आप मान के चलिए कि जैसे ही चुनाव पास में आएगा ये तमाम समाचार पत्र, वहां के तमाम न्यूज चैनल्स, तमाम राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स भाजपा के प्रचार में लग जाएंगे। मगर अरविंद केजरीवाल की जेब में एक और तुरुप का पत्ता है दोस्तों, ये ना भूलें कि उनके पास दिल्ली में सरकार है और पंजाब में सरकार है, और इन दोनों सरकारों के जरिए वो न्यूज चैनल्स को सरकारी विज्ञापन देते हैं, पैसा देते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों, न्यूज चैनल्स का तो वही है कि पैसा फेंको तमाशा देखो, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। न्यूज चैनल्स वो बुलबुल हैं या वो गुलगुल हैं या वो गुल्लू हैं जिनके सामने आप पैसा फेंकेंगे और वो नाच दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल के हाथ में ये ताकत है इस वक्त, दिल्ली की सरकार जो कि मीडिया पर बेतहाशा पैसा खर्च करती है, और यही उम्मीद हम पंजाब से भी कर सकते हैं। कांग्रेस बेशक छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उसकी सरकार है, इस मामले में थोड़ी सी अनाड़ी जरूर है, मगर जैसे कि मैंने बताया इस वक्त विपक्ष के कई नेता मैदान में हैं और वो बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे तेलंगाना से KCR हों, चाहे ममता बनर्जी हों, ये तमाम चुनौती दे रहे हैं। और जैसे जैसे ये लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं उनकी बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मसलन कल ही मैंने आपको अपने कार्यक्रम में बताया था कि किस तरह से राहुल गांधी के बारे में देश की मंत्री, मोदी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी ने गलत बयानी की थी, ये कहा था कि उन्होंने अपनी यात्रा बगैर स्वामी विवेकानंद को सम्मान दिए शुरू कर दी थी, जबकि आप जानते हैं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी ने अपने श्रद्धा सुमन स्वामी विवेकानंद को भी अर्पित किए थे। भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से अपने प्रचार माध्यमों से राहुल गांधी पर निशाना साध रही है, जिससे पता चल रहा है कि उसकी बौखलाहट बढ़ रही है। मसलन कल उसने एक मुद्दा उठाया कि किस तरह से कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है जिसमें RSS की निक्कर को जलते हुए दिखाई दिया गया है और नीचे लिखा गया है 145 दिन और। इस पर संबित पात्रा ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी, RSS
को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है, आगजनी का दृश्य है ये। दिस इज नथिंग बट इंस्टिगेटिंग पीपल फॉर वायलेंस। ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है। तो चाहे रामलीला मैदान हो, उसमें मीडिया के सहारे गलत बयानी करना, झूठ बोलना, चाहे स्मृति ईरानी हो, कांग्रेस ने लगातार हमला बोला है स्मृति ईरानी के उस गलत बयान पर। स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर एक जो है झूठा बयान दिया था और वो फिर फंस गई थी, मगर स्मृति ईरानी के साथ ऐसा ही है दोस्तों कि उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। आपको याद होगा कि मैंने ही अपने कार्यक्रम में बताया था कि उनके सारे दावे गोवा में सिली सोल्स बार एंड कैफे को लेकर गलत साबित हो रहे हैं। अब एक आरटीआई के अंतर्गत यह पता चला है कि सिली सोल्स बार का नाता उस कंपनी से है जिस कंपनी में उनके पति जुबिन ईरानी निदेशक थे। तो स्मृति ईरानी तो इन बुनियादी सवालों का जवाब नहीं दे रही हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी के बारे में जब भी कोई बयानबाजी करनी हो, जब भी हमला करना हो, वो जरूर करती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है खास मंत्रालय बना देना चाहिए, राहुल गांधी हमला करो मंत्रालय, और इस मंत्रालय में मंत्री होनी चाहिए स्मृति ईरानी, क्योंकि ये काम वो बखूबी कर रही हैं। हालांकि बखूबी तो नहीं कहूंगा क्योंकि अक्सर वो गलत बयानी और झूठ का सहारा लेती हैं, मगर एक बात तय है, अगर विपक्ष लड़ेगी तो बीजेपी बौखलाएगी। ये ना भूलें विपक्ष की तुलना में बीजेपी इस वक्त बहुत मजबूत है। विपक्ष को अभी बहुत मेहनत करनी है और 2 साल से कम का वक्त रह गया है, इसलिए एक भारत जोड़ो नहीं, कई भारत जोड़ो यात्राएं करनी पड़ेंगी और मुद्दे पर रहकर बीजेपी पर हमला बोलना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप बीजेपी को घेरते हैं वो गलतियां करती है, वो बौखलाती है, ये बात प्रमाणित हो चुकी है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।